हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स कॉज, कि ये रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर के अंदर कैसे आता है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है, चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is that property of a conductor by which, करता क्या है ये, by which it opposes the flow of charge through it। उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जनरली हम इसको जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल आर से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसका फॉर्मूला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जहां हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इसको ये पढ़ेंगे कि ये आता कहाँ से है, इसका क्या कॉज है। तो अब देखते हैं इसका कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, हमने ना सब ने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। कंडक्टर को जब हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एनर्जी मिलती है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एटम से डिटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती कि वो सरफेस को छोड़ के वहाँ से चले जाएं, इसीलिए वो आपका क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर ही फ्रीली मूव करते रहते हैं। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। जैसे हमने यहाँ ये कंडक्टर लिया, इसमें ये पॉजिटिव फिक्स्ड आयन्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स डिटैच्ड हो चुके हैं एट रूम टेम्परेचर। तो दीज आर द पॉजिटिव फिक्स्ड आयन्स, इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। एंड दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। इनकी कोई भी पोजीशन आपकी फिक्स्ड नहीं होती, दे कैन मूव हेयर एंड देयर इन एनी डायरेक्शन। इनका मोशन कैसा होता है, रेंडम मोशन होता है। ये हमने लिए एंड दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ये आपके किसी भी डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है जहाँ उसका मन करेगा। इन दिस वे रेंडम मोशन है इनका, हम इनको किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। अब देखो, ये इनका होता है इनिशियल मोशन जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर को रखते हैं। तो इस समय ये एक थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी को हम कह सकते हैं, थर्मल वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू देयर टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। और ये आपकी कितनी होती है, अगर हम इसमें वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारी 10^5 ऑर्डर की होती है। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकेंड। ऑर्डर ऑफ 10^5 का मतलब, लाइक आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम वेलोसिटी लिखें तो वो 2 × 10^5 मीटर पर सेकेंड, 1 × 10^5, 1.5 × 10^5, 4 × 10^5, इस तरह से हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ 10^5 कहते हैं। यानी 10^5 उसके एक मल्टीपल की फॉर्म में
हर एक टर्म के साथ रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है साथ में। ये उनकी वेलोसिटी होती है और इस वेलोसिटी से वो रेंडमली इन एनी डायरेक्शन एज आई हैव शोन हेयर इन द डायग्राम वो आपके क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। हमने इस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी यूज़ कर लेंगे। उस बैटरी की हेल्प से हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के क्रॉस अप्लाई कर दिया। ये हमने लिया, ये हमने एक बैटरी यहाँ ले ली, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये हमारे पास सेल का सिंबल होता है और नंबर ऑफ सेल्स जब हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो ये बैटरी बन जाती है, ये चीज़ बैटरी कहलाती है। जो इसमें आपके पास ये लॉन्ग बार है दिस इज़ पॉजिटिव और जो शॉर्ट वाली है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यही हमने इस कंडक्टर के साथ यहाँ पे अप्लाई करा है। ये जो पॉजिटिव वाला एंड है ये यहाँ पे पॉजिटिव बनाएगा इसके एंड को और नेगेटिव वाला इसके एंड को नेगेटिव बना देगा। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच में आ गया। इसको हम बी एंड ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। तो ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया। बी वाला यानी जो ए पॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो देखो इसके अंदर वही पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस हैं तो ये तो वहीं के वहीं रहेंगे, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे हम पोटेंशियल अप्लाई करें या हम ना करें, ये यही है। लेकिन ये जो रेंडमली आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल के अप्लाई होते ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास थे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इनका मोशन अब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये रेंडमली मूव नहीं करेंगे। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि अब एक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है तो इस पोटेंशियल की वजह से आपके पास क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो पॉजिटिव इसे अपनी तरफ एक अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसे रिपेल करेगा, तो दोनों ही तरफ से इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी फ्रॉम बी टू ए। जब ये फोर्स इधर एक ही डायरेक्शन में इसको पुल करने की कोशिश करेगी तो ये एकदम से एक्सेलरेट होंगे और ये सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। लाइक ये सब एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएंगे इन दिस वे, दिस विल बी द डायरेक्शन। जो जहाँ होगा वहीं से इमीडिएटली ये एंड की तरफ कंडक्टर के मूव करना शुरू कर देगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, जैसे ही ये सब एक तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो ये आपके क्या होंगे, जो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ कोलाइड भी होंगे, क्योंकि ये तो जहाँ हैं वहीं से टर्न हो जाएंगे। तो इमीडिएटली ये आपके जब इधर टर्न होंगे तो ये क्या होंगे, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड भी होंगे और ड्यूरिंग कोलिजन दे विल लूज़ देयर एनर्जी। ये अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे और एनर्जी लूज़ करने की वजह से इनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और फिर ये उस डिक्रीज्ड वेलोसिटी से फर्दर मूव करेंगे, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो डिक्रीज्ड वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ये हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन that is towards the positive end of the conductor। यहाँ पे हमारा positive end कौन सा है, A। and during their motion ये क्या होंगे, कोलाइड करेंगे किससे, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से। मोशन दे कोलाइड
विद फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स और जब ये कोलाइड होंगे तो क्या होंगे, ड्यूरिंग कोलिजन दे विल लूज देयर एनर्जी, ड्यूरिंग कोलिजन दे विल लूज देयर एनर्जी। That is, they will lose their velocity. अगर उनकी velocity lose होगी तो वो क्या होंगे, फिर इसी decreased velocity से further move करेंगे and further they will move with this decreased velocity. Decreased velocity and this decreased velocity is known as drift velocity. This decreased velocity is known as drift velocity. इसको हम क्या कहेंगे, drift velocity कहेंगे। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये आपकी होती है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-4 मीटर पर सेकेंड। दिस ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज क्या है हमारा यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कोलिजन विद फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया कंडक्टर के अंदर कैसे रेजिस्टेंस आता है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसमें देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेटअप ले लेते हैं। लाइक हमने क्या किया, हमने एक बैटरी ले ली, इसको हमने एक की यानी कि स्विच, ये आपको ये प्लस और ये माइनस इसके पोलैरिटी हो गई, और इसको हमने आगे कनेक्ट कर दिया एक एमीटर से। एमीटर का सिंबल होता है ए, ये मैंने अपने वीडियो में बताया था आपको। यहाँ हमने दो एंड्स के बीच में ए और बी एक कॉपर वायर का एल लेंथ का हमने एक पीस यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये ए और ये बी, ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को शो करते हैं, दिस इज़ आर। ये हमने लिया, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे जो कॉपर वायर कनेक्ट किया है ना, सपोज़ इसकी लेंथ हमने एल ले ली, एल लेंथ का कॉपर वायर कनेक्ट किया, और अब हमने इसमें इसकी एक रीडिंग हमने नोट कर ली। सपोज़ वो जो रीडिंग आती है फॉर लेंथ एल, एमीटर की रीडिंग वो आई आती है एल लेंथ के लिए। अब हमने इसकी लेंथ डबल कर दी, 2L लेंथ कर दी, लेंथ डबल करी तो ये जो पहले करंट आई थी वो अब आपकी हाफ रह गई। जैसे पहले हमारे पास 3 एम्पियर आई, तो अगर हमने यहाँ पे लेंथ ली है सपोज़ 50 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब हमने इसको 1 मीटर कर दिया तो ये हमारा क्या रह जाता है, 1.5 रह जाता है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, मोर इज़ द लेंथ
ऑफ कंडक्टर, मोर इज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथ का कंडक्टर होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दैट इज रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे पास यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया, दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर, यानी वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रही है। सेकंड हमने अब इसमें क्या किया, यहाँ पे जो हमने ये कंडक्टर लिया है कॉपर वायर का, यहाँ पे हमने दो कॉपर वायर लिए सेम लेंथ के, लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ दोनों के लिए एल है, लेकिन इसका जो एरिया है फर्स्ट वाले वायर का जो हमने पहले यहाँ कनेक्ट किया उसका एरिया ए हमने लिया। ए एरिया हमने यहाँ कनेक्ट किया, सपोज़ उसके लिए जो करंट है वो आपकी कितनी आती है, आई करंट आ रही है। अब हमने क्या किया, इसका जो एरिया है वो डबल कर दिया, दूसरा वायर ले लिया उसी लेंथ का लेकिन डबल एरिया का हमने लिया। एरिया अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, करंट की जो वैल्यू है वो भी डबल हो गई, पहले से डबल करंट हमें मिली। तो करंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑपोजिशन चार्ज के फ्लो में लग रही थी वो कम हुई है, तभी ज़्यादा चार्ज फ्लो कर गया, और ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो ज़्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि करंट बढ़ने का मतलब हुआ यहाँ पे कि रेजिस्टेंस क्या हुआ है, वो डिक्रीज़ हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ है तो हमें यहाँ से कंक्लूजन मिल जाता है कि आपका एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, तो एरिया से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम उसका एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस वायर की या कंडक्टर की वो हमारी कम हो जाती है। थर्ड हमारे पास इसमें आया नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द कंडक्टर। हमने यहाँ पे ना दो वायर ले लिए सेम एरिया और सेम लेंथ के, लेकिन हमने एक वायर लिया है इसमें, जैसे सिल्वर का ले लिया, एक हमने कॉपर का ले लिया, एक सिल्वर वायर है हमारे पास और दूसरा हमारे पास है कॉपर वायर, दोनों वायर्स की लेंथ और एरिया सेम है, इसकी लेंथ और एरिया एल और ए, इसके लिए भी लेंथ और एरिया एल और ए हैं। अब हमने उन वायर्स को यहाँ ए बी के बीच में कनेक्ट किया, पहले हमने कॉपर वायर को कनेक्ट किया और हमारे पास सपोज़ करंट की वैल्यू जो है वो आती है आई वन, और सेकंड हमने फिर सिल्वर वायर कनेक्ट किया, अब हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है एमीटर में वो आती है आई टू, एंड वी गॉट दैट आई टू इज़ ग्रेटर देन आई वन। यानी सिल्वर वायर जब हमने कनेक्ट किया तो करंट की जो वैल्यू आई थी वो ज़्यादा थी as compared to the current when which we get when copper wire was connected। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जब हमने सेम लेंथ और सेम एरिया के कनेक्ट किए हैं लेकिन डिफरेंट मटीरियल के कनेक्ट किए हैं तो भी करंट की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिफ़र हो रही हैं। इट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का वो आपका क्या है, अलग अलग है। इसका रेजिस्टेंस, इसमें ज़्यादा करंट आ रहा है तो कम रेजिस्टेंस है, और इसका करंट कम है कंपैरेटिवली तो इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर क्या होगा, ये कम हो जाएगा और कॉपर का ज़्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस फॉर सिल्वर इज लेस देन रेजिस्टेंस फॉर कॉपर, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अगर हमें ये चीज़ मिल रही है तो ये क्या क्लियर कर रहा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर। अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। मैं तुम लोगों को एक बता देती हूँ यहाँ से कि हमारे पास सिल्वर जो है दिस इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा कंडक्टर यही होता है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हम इसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका क्या है, एक कॉस्टली मेटल है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इसलिए हम इसको हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। एक और इसमें कंपोनेंट आता है, दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम चेक करेंगे अब कि टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मूव करेंगे, और जितने ज़्यादा वो फ्रिक्वेंट होंगे मूव करने के लिए उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ कोलिजन्स का बढ़ना, ऑब्स्टेकल का बढ़ना, ऑब्स्टेकल का बढ़ना मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज में रुकावट आना। और अगर आपका फ्लो ऑफ चार्ज रुक रहा है, उसमें रुकावट आ रही है, तो दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बढ़ाने से वो बढ़ जाता है, यानी R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वेयर T इज़ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। और अगर हम इन फैक्टर्स से, जैसे हमारे पास एक फैक्टर ये आया था, इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, और एक ये था, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अगर हम इन दोनों को कम्बाइंड कर दें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो हमारे पास R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A आ जाता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम रिमूव करते हैं, देन वी हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड डिनोटेड बाई रो। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी आ जाता है फाइनल रेजिस्टेंस के लिए। और यहाँ पे जो रो आपके पास आता है, दिस इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें देखो, अगर हम ये कहें इस एक्सप्रेशन के अंदर, इफ़ L इज़ इक्वल टू 1 meter एंड एरिया इज इक्वल टू 1 meter square, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वट वी कैन राइट, रो इज़ इक्वल टू R, यानी रजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, अगर L और A की वैल्यू 1 है तो रजिस्टिविटी की वैल्यू रजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स यू कैन डिफाइन दिस रजिस्टिविटी फ्रॉम हेयर, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इसको हम इसी इन्हीं टर्म्स के थ्रू करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इन टर्म्स के थ्रू हम डिफाइन करेंगे, ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 meter, इसको हम ऑफ यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं, एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 meter square। यहाँ आप इसको इसमें भी लिख सकते हैं, ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड ऑफ यूनिट एरिया, हम ये भी इसको लिख सकते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट और रेजिस्टिविटी की यूनिट एक साथ बता देती हूँ। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है, बाकी इसको और दूसरी टर्म्स में हम बाद में पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अब हमारे पास होती है ओम। ओम ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टिविटी की भी हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन से देखें तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला होता है आपका आर ए बाई एल, और यहाँ से अगर हम यूनिट इसकी फाइंड आउट करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फ्रॉम
फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगी. देखो पहले आर यानी ओम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट होती है मीटर. तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाएगी ओम मीटर. दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. और सी जी एस यूनिट अगर हम लेंगे तो ये इसकी आ जाएगी ओम सेंटीमीटर. दिस इज़ द एस आई यूनिट. और अगर हम सी जी एस लेते हैं तो ये आ जाएगी आपकी ओम सेंटीमीटर. अब इसमें एक और चीज़ देखो, अभी हमने यहाँ पे देखो ये चीज़ पढ़ा है कि रो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, और किस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, और कौन से कंडक्टर के जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो. तो हम किसी भी मटेरियल को अगर लें जिसकी लेंथ हम 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लें, जैसे हमने कॉपर का लिया तो उसके लिए एक वैल्यू आ जाएगी रो की. इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए एक अलग वैल्यू आ जाएगी, किसी और मटेरियल को लें सिल्वर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, हर एक मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी. आप अब उसके लिए लेंथ उसकी 1 मीटर से 2 मीटर कर दो, 3 मीटर कर दो, 1000 मीटर कर दो, जितनी मर्जी लेंथ उसकी इंक्रीज़ कर लो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि वो तो फिर भी उसी वैल्यू पे आनी है जब लेंथ 1 मीटर थी. तो उस समय का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी फिक्स्ड. तो हम यहाँ से क्या चीज़ कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स डायमेंशंस, वो उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है. तो हम यहाँ ले लेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. डायमेंशंस का मतलब हमारा क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिस थिंग्स, है ना. रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. सेकेंड देखो, अब जैसे लेंथ हम इस पर्टिकुलर लेंथ का ले रहे हैं 1 मीटर का, इतना एरिया हम ले रहे हैं कंडक्टर का, और उसके लिए हमने रेजिस्टिविटी चेक कर ली. तो ये सब चीज़ें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे. अगर आप उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियस है, अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. दैट मीन्स व्हाट वी कैन से एज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, सेम वे में आपकी क्या होती है रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस विद द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई. थर्ड इसमें हमारे पास आती है नेचर ऑफ मटेरियल, हम क्या यूज़ कर रहे हैं. तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करती है. जैसे अगर हम मेटल्स के लिए लेते हैं तो मेटल्स के लिए इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज़ ऑफ 10^-8 ओम मीटर. एलॉय अगर हम लेते हैं तो एलॉय के लिए जो ऑर्डर आता है 10^-6 ओम मीटर. और अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के लिए इसका जो ऑर्डर आता है इंसुलेटर्स में, तो वो हमारे पास आता है 10^11 to 10^17 ओम मीटर. तो इट मीन्स व्हाट वी कैन से, अगर हम मेटल से इंसुलेटर की तरफ जाते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इस तरफ से इस तरफ इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ये और इन्हीं नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे अगर हमें कनेक्टिंग वायर्स बनाने हैं तो कनेक्टिंग वायर्स में
हमें कम रेजिस्टिविटी चाहिए। कनेक्टिंग वायर्स होंगे आपके जो चार्ज को फ्लो कराने के लिए काम आएंगे सर्किट के अंदर, हम यूज़ करते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखो एक सर्किट बनाया था जिसमें मैंने यहाँ एक बैटरी ली थी इस तरह से, यहाँ एक की कनेक्ट करी थी, इधर एक एमिटर हमने लिया था और इन यहाँ दो पॉइंट्स हमने बनाए थे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारे पार्ट्स आपके कनेक्टिंग वायर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो ये वाले पार्ट, ये जो रेड कलर से मैंने बना दिया, दीज ऑल आर कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर्स क्या हो रहे हैं हमारे, जो डिफरेंट एपरेटस हमारे पास हैं उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स हमारा क्या करेंगे, इधर से चार्ज को फ्लो कराएंगे, पूरे में से इधर लाएंगे। तो इट मीन्स कि ये चार्ज फ्लो कराने के काम आते हैं। अगर चार्ज फ्लो कराने के काम आते हैं तो मीन्स कि इनका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमें ऐसे मटेरियल इसमें चूज़ करने हैं जो लो रेजिस्टिविटी के होंगे। तो हमारे पास इनके क्या मेन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लो रेजिस्टिविटी। तो लो रेजिस्टिविटी होने की वजह से हम इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर भी है आपका, लेकिन सिल्वर मैंने बताया था बहुत कॉस्टली होता है इसलिए हम नहीं यूज़ करते हैं, तो हम इनको यूज़ करते हैं, ये एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर, ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह अगर हम फिलामेंट ऑफ बल्ब बनाते हैं, तो अब हमें पता है कि बल्ब का फिलामेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा क्योंकि वो लाइट हमें देगा, तो वो क्या होता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाता है। तो उस समय हमें ऐसा वायर यूज़ करना है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, जो क्या करे, करंट को रेजिस्ट करके रखे, तभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या होगा, वो आपका हीट एनर्जी में, यानी उसको गर्म होएगा, वो आपका उसमें कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमें पहली रिक्वायरमेंट हो गई हाई रेजिस्टिविटी की। दूसरी चीज़, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जो हमें यहाँ मटेरियल यूज़ करना है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी है, फर्स्ट होगी हाई रेजिस्टिविटी और सेकंड हमारे पास होगी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दो हमारे पास होंगे। और इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होगा, ये हमारे पास इसका होता है टंगस्टन हम लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसका जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे ना वो हमारा होगा टंगस्टन और उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, गीज़र है आपका, है ना, टोस्टर होता है, ठीक है, इमर्जन रॉड होती है। तो ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, गर्म करते हैं चीज़ों को। तो उनको बनाने के लिए हम एक एलॉय को यूज़ करते हैं, उसकी भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसके मटेरियल हम चेंज कर देते हैं, जैसे हाई रेजिस्टिविटी एक उसकी रिक्वायरमेंट है और एक हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट, रिक्वायरमेंट यही है, लेकिन वही है कि मेल्टिंग पॉइंट अब हमें यहाँ पे क्या है 1500 तक का हमारा जो होता है वो काम कर जाता है। तो हम निक्रोमी इसमें यूज़ करते हैं, निक्रोमी हमारे पास क्या है, एक एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारी किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, निकल से, आयरन से, क्रोमियम से, और आपकी होती है ये मैंगनीज से। तो इसलिए हम हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निक्रोमी को यूज़ करते हैं। और इंसुलेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंसुलेटर्स हमें पता है कि हम इंसुलेशन के वर्क के लिए यूज़ करते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कवरिंग जो होती है, बाहर की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, वो भी आपकी इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। जो हम प्लग यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा इंसुलेटेड मटेरियल का होता है। जो आपकी वायर्स होती हैं कनेक्टिंग वायर्स, उसको ऊपर से क्या करते हैं, हम एक इंसुलेशन लगा देते हैं, जैसे प्लास्टिक की कवरिंग हम दे देते हैं। तो ये सारे मटेरियल क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, रबर
हमारा इंसुलेटेड है, ड्राई वुड हमारा इंसुलेटेड है, इंसुलेटर है एक, और ग्लास हमारे पास एक इंसुलेटर है. तो इंसुलेटर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू प्रोटेक्ट आर सेल्व्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. तो उसके लिए हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पे क्या करते हैं, इंसुलेटर्स को यूज़ करते हैं. तो एग्जांपल्स इसके हैं हमारे पास, ड्राई वुड, रबर, ग्लास एक्सेट्रा. तो ये इन मटेरियल की नेचर के अकॉर्डिंग हम इनको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. वी विल मीट अगेन विद न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो इन द कमिंग डेज. टिल देन बाय एंड टेक केयर.